हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज है संडे और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आध्यात्म का विषय। आज अपन बात करेंगे, अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो श्रावण मास शुरू होने वाला है, उस श्रावण मास में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपके आप शिव जी के भक्त हैं तो आपको चार बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर वन, श्रावण मास में व्रत रखना क्यों जरूरी है, इसके बारे में अपन जानेंगे। श्रावण मास में वैसे तो अपने हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत आते हैं, जैसे एकादशी हो गई, त्रयोदशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, लेकिन अपने हिंदू धर्म में चतुर्मास से पहले एक श्रावण मास आता है। श्रावण मास में जो सोमवार आते हैं, उन सोमवार को जो व्रत करते हैं उनको भगवान विशेष फल देते हैं और विशेष लाभ देते हैं। कहते हैं इस श्रावण मास में माता पार्वती ने निराहार रहकर व्रत किया था महादेव से शादी करने के लिए, और महादेव पार्वती की, माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और महादेव माता पार्वती से शादी करते हैं। तो इस प्रकार ये श्रावण मास महादेव को बहुत ही प्रिय हो जाता है, और इस श्रावण मास में जो महादेव की तपस्या और भक्ति करता है महादेव वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सेकंड, श्रावण मास के सोमवार को महत्व क्या है, इसके बारे में जानेंगे अपन। श्रावण मास में जो सोमवार आते हैं उनका विशेष महत्व बताया गया है। अपने शिव पुराण और शास्त्रों में कहा गया है कि जो इस श्रावण मास में जो सोमवार को जो व्रत करते हैं और शिव जी का जल अभिषेक करते हैं उसे शिव जी विशेष कृपा देते हैं और शिव जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। और आपको पता है कि सोमवार तो शिव जी को वैसे ही प्रिय हैं, इसीलिए सोमवार, श्रावण मास के सोमवार शिव जी को बहुत प्रिय है। थर्ड, श्रावणी उपाकर्म। बहुत सारे लोग श्रावण मास में श्रावणी उपाकर्म भी करते हैं। वैसे ये श्रावणी उपाकर्म कुंभ के स्नान के दौरान आता है, लेकिन श्रावण मास में भी इसका विशेष महत्व रहता है। श्रावणी उपाकर्म वहाँ करते हैं जहाँ जंगल हो या फिर कोई नदी किनारे हो या आश्रम हो, वहाँ किए जाते हैं। श्रावणी उपाकर्म में तीन पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर वन, प्राश्चित संकल्प, संस्कार और स्वाध्याय। इसको पूरा करने के लिए आप एक किसी गुरु के सानिध्य में किसी नदी किनारे या आश्रम या जंगल में इसको पूरे महीने भर रहकर वहाँ कर कर्म करके शिव जी को जल चढ़ाकर किया जा सकता है। ये श्रावणी उपकर्म बहुत ही लाभदायक है आपके लिए। फोर्थ, शिव जी का जल अभिषेक। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला, हलाहल विष, तब शिव जी ने उस विष को धारण किया था, उस विष को पिया था, और जब उस विष को पिया तो उस विष में बहुत ही बड़ी गर्मी निकली, तो उस गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी के ऊपर जल अभिषेक किया था। वो जल अभिषेक श्रावण मास में ही हुआ था, इसीलिए शिव जी को श्रावण मास प्रिय हुआ। और कहते हैं कि श्रावण मास में शिव जी और प्रकृति तरह तरह की लीलाएँ करते हैं, तो आप उस श्रावण मास में अगर शिव जी के ऊपर जल अभिषेक करेंगे और बेलपत्र चढ़ाएंगे तो शिव जी आपको बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे। इसी के साथ आज यहीं, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।